नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। आपके जीवन में बहुत ही शानदार शुभ दिन आने वाले हैं। मान लो दिवाली से पहले मां लक्ष्मी आपके घर आने वाली है, आपके घर आंगन में मां लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। वक्त से पहले दिवाली जैसी खुशियां आपको मिल सकती है, आइए जानते हैं कैसे। 22 सितंबर से बुध और शुक्र का मिलन होगा। 22 से 1 अक्टूबर 2021 तक आपके लिए लाभ ही लाभ का मौका बनेगा। बुध भगवान विष्णु की संज्ञा में आते हैं और शुक्र को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। बुध व्यापार है, बुध बुद्धि है, बुध गणित है, बुध वाणी है, शुक्र सुख है, धन दौलत है, खुशी है, जीवन का सुख है, वैवाहिक जीवन का सुख है। जीवन में हर छोटे बड़े सुख जो है वो शुक्र से जुड़े हुए हैं। टीवी मीडिया, चमक धमक, बड़ा पर्दा, छोटा पर्दा, ये सब जो आप फिल्में देखते हैं, सोशल मीडिया, ये सब शुक्र ही शुक्र है। जहां पर लाइट है, जहां पर रोशनी है, वो शुक्र है। जहां पर अंधेरा है, वहां पर दरिद्रता है। जहां पर अंधेरा है, वहां लक्ष्मी नहीं है। अब आपके घर में उजियाला करने आ रही है मां लक्ष्मी। दिवाली में आप लोग जैसे मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए, तो दिवाली से पहले इन तारीखों में ही मां लक्ष्मी की आराधना करना शुरू कर दीजिए और आपकी जिंदगी में लाभ ही लाभ बढ़ जाएगा। यानी कि आपकी जिंदगी में 22 तारीख से लेकर 1 अक्टूबर तक आने वाला है शुभ लाभ। तो आइए जानते हैं आपकी राशि में कितना लाभ छुपा हुआ है, जानेंगे आपकी राशि को। बात करेंगे सिंह राशि की कि ये लक्ष्मी नारायण योग आपको क्या देने वाला है। आपकी राशि के लिए बुध और शुक्र का गोचर तृतीय भाव में होगा। ध्यान से अपनी गोचर कुंडली को देख लीजिए। पराक्रम भाव में, तीसरे भाव में शारीरिक व मानसिक क्षमता का भाव होता है। आप मेहनत करने वाले और दिमाग का इस्तेमाल करने वाले इंसान होंगे। कम वक्त में बड़ी सफलता पाएंगे। दिमाग को बड़ी खूबसूरती से प्रयोग करेंगे, चालाकी से प्रयोग करेंगे और सफलता पाते चले जाएंगे। अगर आपका दिमाग समझ लीजिए चला, तो आप दुनिया को चला देंगे। आपका दिमाग नौकरी व्यापार में बहुत बढ़िया बड़ी बड़ी सफलताएं आपको दिलाएगा। आपको शुक्र और बुध का जो मिलन है ये धनवान बनाएगा। दिमाग वही है जो सही समय पर चले और सही फैसले ले, सही निर्णय ले। तो आपके दिमाग का सही वक्त पर चलना, सही वक्त पर सही निर्णय लेना, सही फैसले करना, अपने लिए नौकरी में जो निर्णय है, व्यापार में जो निर्णय है, परिवार में जो निर्णय है, तो सभी निर्णयों को आप सही से करते हुए इस दुनिया पर राज करेंगे। आपके छोटे भाई बहन से आपकी बहुत अच्छी बनेगी, सपोर्ट होगा। आप जिंदगी में ऐशो आराम को जीने वाले व्यक्ति होंगे। आपके भाई बहन का भी भविष्य चमकेगा। आपकी वाणी मधुर होगी। आपका रूप रंग जो है उसके आप मालिक होंगे, यानी आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा, लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे। बढ़िया गीतकार, टीवी मीडिया में छाने वाले इंसान होंगे, या कहें फिल्मी दुनिया या टीवी की दुनिया में आपको बहुत कामयाबी मिल सकती है अगर आप कोई कलाकार हैं तो। व्यापार और नौकरी से जुड़ी यात्राएँ सफल रहेंगी। आपको कहीं ना कहीं से नौकरी में नया ऑफर मिल सकता है। आपकी तरक्की के चांस है। बढ़िया नौकरी के ऑफर का इंतज़ार जो आप कर रहे थे वो इस समय में आ सकता है। आप किसी बड़े शहर में शिफ्ट हो सकते हैं, किसी बड़े शहर में जाकर नौकरी कर सकते हैं। शत्रु आपके धन दौलत को देखकर जलेगा, लेकिन उसके जलने से कुछ नहीं होने वाला, शत्रु अपने आप परास्त होता चला जाएगा। शुक्र आपको बहुत बड़ी धन दौलत के मालिक बनाएंगे। मौज मस्ती भरा जीवन होगा, खुशियों भरा जीवन होगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी आराम से होगी। आप अपने ज्ञान के बल पर, शिक्षा के बल पर नौकरी और व्यापार में धन अर्जित करेंगे। आप अपने काम और अपने मेहनत के द्वारा दुनिया पर राज करेंगे। आसपास के लोगों में आपका नाम होगा। आप व्यवसायी बहुत अच्छे होंगे, जरूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे, पैसा आपके पास होगा। शुक्र संबंधी व्यापार, बुध संबंधी व्यापार आपके जबरदस्त तरीके से चलेंगे। लेखन का जो अगर कोई लोग काम करते हैं, उनका काम बहुत अच्छा रहने वाला है। या जो लोग वाणी से संबंधित काम करते हैं, उनका काम भी बहुत बढ़िया रहने वाला है। गले संबंधित काम, कोई सिंगर हैं, कोई आवाज़ निकालते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, उनका सब समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। ये वक्त मुस्कुराते हुए, बिना चिंता किए हुए आप बिताएंगे। लेकिन इस समय में आप थोड़े बातूनी हो सकते हैं, तो बातों बातों में कई बार आप ज्यादा बोल जाएं, जो नहीं बोलना है वो भी बोल जाएं, इसका ध्यान रखिएगा। आप वक्त के अनुसार सभी योजनाएं बनाएंगे। आपको समझ पाना थोड़ा सा कठिन होगा। आपकी योजनाएं बनेंगी, कुछ करेंगे, कुछ जैसा वक्त होगा वैसे योजनाओं को बदल देंगे। जैसे लगेगा वक्त की चाल के अनुसार आप अपनी चाल चलेंगे। हो सकता है आप बात कर रहे हो ये कि हम अब ये करने वाले हैं, लेकिन जब करने का मौका आए तो करें कुछ और। इसलिए आपको इस समय में समझ पाना बड़ा मुश्किल होगा कि कब किस घड़ी आप कौन सा दिमाग चला दें और क्या फैसला ले लें। लेकिन आपके फैसले जो भी होंगे वो जबरदस्त लाभ की तरफ ही आपको बढ़ेंगे। तरक्की आपको निश्चित होने वाली है। आप घिसे पिटे फॉर्मूलों पर चलने वाले नहीं हैं, आप सही तरीकों से तरक्की करने वाले इंसान होंगे। यानी कि
वक्त के अनुसार चाल चलेंगे, जैसा वक्त वैसा काम, तो फिर सफलता भी मिलेगी मन के मुताबिक। कई बार आप सामने वाले की सुनते नहीं है, उसकी भी सुन लीजिएगा, हो सकता है सामने वाले की बात में कोई ऐसी बात आपको मिल जाए जिससे आपकी सफलता और ज्यादा बढ़ जाए। इस समय मिलने वाली सफलताओं को आप हर जगह बताएं नहीं, चुप रहकर उसको सेलिब्रेट करें। ज्यादा बातूनी मत बनिएगा, ज्यादा राज मत खोलिएगा, इससे दिक्कत हो सकती है। आप अधिक अपनी तारीफ ना करें, बस मतलब की बात करें सामने वाले से। आपके पास शब्दों की ताकत होगी जिससे आप सामने वाले को जीत लेंगे, लेकिन इन शब्दों की ताकत को बेवजह की गप्पो उप्पो में बर्बाद मत करिएगा। आप दो लोगों के बीच की लड़ाई को शांत कराने वाले एक अच्छे मध्यस्थ होंगे, दो लोगों के बीच में समझौता कराने में आप माहिर होंगे। आप लक्ष्मी नारायण योग की वजह से धन दौलत कमाएंगे, यारी दोस्ती रिश्तेदारी में भी आपका साथ और सहयोग मिलेगा, आप छाए रहेंगे। देखिए लक्ष्मी जी क्या है, शुक्र हैं और विष्णु जी बुध हैं। जब भी लक्ष्मी जी हमारे घर में अकेले आती हैं, हम अकेले लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, तो लक्ष्मी जी आती हैं लेकिन चली जाती हैं, टिकती नहीं है। जब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ आती हैं तो टिकती हैं, यानी कि फिर दोनों का साथ होता है, दोनों का आशीर्वाद होता है, फिर ये लक्ष्मी जी कहीं जाती नहीं है। तो अभी ये मौका आया है, अभी यहाँ पे भगवान को खुश कर लीजिए। भगवान को खुश करने के लिए क्या करना है, पति जो है वो अपनी पत्नी की सेवा करे और पत्नी जो है अपने पति की सेवा करे। देखिए इससे अच्छा सरल उपाय और कुछ हो नहीं सकता। घर में सुख शांति है तो लक्ष्मी है, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, महिलाओं का सम्मान करें, इससे अच्छा उपाय कोई नहीं है। बाकी आपको और उपाय करने हैं तो आप शुक्रवार का व्रत रख सकते हैं, बुधवार को का भी उपवास रख सकते हैं। क्या कहते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, छोटी कन्याएं जो होती हैं, उनको कुछ खाने को दे सकते हैं, यानी कुछ उनकी मनपसंद का भोजन, जो 5-6 साल की कन्याएं होती हैं। शुक्र के लिए आप किसी सुहागन स्त्री को सुहाग की चीज़ें दे सकते हैं। अगर इन दिनों में कोई महिला आपके घर आती है, मान लीजिए शाम का वक्त है और कोई सुहागन महिला आपके घर सजी सवरी आई है, वो आपके आस पड़ोस की कोई पड़ोसन हो सकती हैं, रिश्तेदार हो सकती हैं, तो उनका स्वागत करिएगा, उनको खिलाइएगा पिलाइएगा, आदर सम्मान दीजिएगा। सुहागन महिला सजी सवरी आपके घर शाम के वक्त आती है तो समझिए साक्षात लक्ष्मी आ गई, उनको मना मत कर दीजिएगा। कई बार किसी का फोन आता है हमारे घर में, वो कहते हैं हम आपके घर आ रहे हैं खाने पर या चाय पीने के लिए, आप कहते हैं हम बहाने बना देते हैं, नहीं नहीं हम तो कहीं जा रहे हैं, हम तो बिजी हैं। तो हो सकता है माँ लक्ष्मी के आने का यही संकेत हो और आप खुद उसको मना कर दें, तो ये गलती मत करिएगा। इन छोटे छोटे संकेतों को पहचानिए, यही संकेत ईश्वर देता है। तो फिर मतलब की बात यह है कि अगर इन दिनों में या कभी भी कोई शाम के वक्त महिला सजी सवरी आती हैं, सुहागन महिला आपके घर आती हैं और वो अपने पति के साथ आती हैं तो अति उत्तम है, अकेले आती हैं तो भी उत्तम है, तो उनको खिलाइए पिलाइए, आदर सत्कार करिए, क्योंकि हो सकता है उस महिला के रूप में ही लक्ष्मी आपके घर आ रही हो। अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हरिओम नमस्कार।